जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक नई टॉपिक लेके आए हैं। इसके पहले वाली टॉपिक में हम इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे विलेन किसे कहते हैं और द्विअंगी विलेन के बारे में, लेकिन आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि विलेन कितने प्रकार के होते हैं, विलेन कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया जाएगा अभी आप लोगों को वह यह है कि विलायक और विलेय कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, विलायक तथा विलेय, विलायक तथा विलेय, विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, विलायक और विलेय जिन दो अवयवों से मिलकर के विलयन बनता है उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के तीन प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह ठोस विलयन, दूसरा जो होता है द्रव विलयन, और तीसरा जो होता है वह गैसीय विलयन। तो विलयन के प्रकार जो होगा वो क्या होता है, तीन प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, ठोस विलयन। पहला क्या दोस्तों, ठोस विलयन, ठोस विलयन जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। तो देखिए दोस्तों, ठोस विलयन क्या होता है, ठोस विलयन मात्र बस एक पॉइंट है जो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा कि कभी नहीं बोलने वाला है कि ठोस विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है और गैसीय विलयन क्या होता है। तो देखिए, जो ठोस विलयन होता है उसमें जो विलायक होगा वह ठोस होगा और जो विलेय पदार्थ होगा वह ठोस, द्रव और गैस में से कुछ भी हो सकता है। जो विलायक आपका होगा वह क्या होगा, जो विलायक होगा वह ठोस होगा, ठोस विलयन में। बाकी विलेय पदार्थ जो होगा वह विलेय, विलायक जो ठोस पदार्थ होगा आपका वह क्या होगा, विलायक होगा। और विलेय पदार्थ जो होगा वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में विलायक, जब किसी विलयन में विलायक ठोस हो, जबकि विलेय पदार्थ, जबकि विलेय पदार्थ ठोस, द्रव व गैस में से, व गैस में से कुछ भी हो, में से कुछ भी हो, ठोस विलयन कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, ठोस विलयन क्या होता है कि जब किसी विलयन में विलायक जो हो वह ठोस हो, बाकी विलेय पदार्थ जो है वह ठोस, द्रव, गैस में से कुछ भी हो, तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो जाएगा आपका कि सोने में तांबा का विलयन, सोना है तो सोना जो बनाया जाता है उससे भी क्या होता है, सोना नहीं होता है, उसमें कुछ तांबा या अन्य धातु मिलाया जाता है,
तो वह क्या होता है, एक प्रकार का विलयन हो जाता है, जो आभूषण बनता है तो क्या होता है, प्योर सोना नहीं होता, उसमें कुछ अन्य धातु भी मिलाए जाते हैं। तो जैसे आप क्या हो गया सोना, और सोने में अगर हम तांबा कुछ मिला देंगे तो सोना क्या हो गया आपका, ठोस है जो क्या है विलायक, और तांबा जो है वह भी क्या है ठोस है, लेकिन क्या है वह विलेय है, क्योंकि ठोस जो तांबा है उसकी मात्रा कम रहेगी और जो विलायक सोना है उसकी मात्रा अधिक रहेगी। तो जैसे हो जाएगा सोने में तांबा का विलेय, सोने में तांबा का विलेय, या फिर दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कि धातु और क्या होता है, दूसरा देखिए धातु होता है और पारा होता है, धातु होता है और पारा, तो पारा आपका द्रव होता है जिसका सिंबल HG होता है, पारा मरकरी जिसको बोलते हैं वह क्या होता है द्रव होता है, और यहाँ पे जो धातु आपका होगा सोडियम वो क्या हो जाएगा ठोस हो जाएगा। तो सोडियम ठोस धातु में जब द्रव मिला दिया जाता है तो इस प्रकार जो मिश्रण बनता है उसको हम क्या करते हैं अमलगम, तो यह भी क्या हो गया ठोस विलयन का एग्जांपल हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सोडियम धातु व पारा HG होता है का मिश्रण। देखिए सोडियम धातु और पारा दोनों का जब मिश्रण एक मिला दिया जाता है तो वह अमलगम बन जाता है, क्या होता है अमलगम। तो यह भी आपका क्या है ठोस विलयन हो गया। दूसरा क्या है द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो विलायक होता है, जब किसी विलयन में विलायक द्रव हो और विलेय पदार्थ ठोस द्रव और गैस में से कुछ भी हो तो इस प्रकार से बना विलयन क्या कहलाता है द्रव विलयन कहलाता है। जब किसी विलयन में विलायक द्रव हो जबकि विलेय ठोस द्रव व गैस में से कुछ भी हो ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं जैसे देखिए क्या होता है कि द्रव विलयन जब किसी विलयन में विलायक द्रव हो तथा विलेय पदार्थ ठोस द्रव और गैस तीनों में से कुछ भी हो तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है उसको हम क्या कहते हैं द्रव विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा पानी और नमक का विलयन, तो पानी क्या है यहाँ पे विलायक है क्योंकि पानी अधिक होगा, और जो नमक है वह क्या है विलेय है, वह क्या होगा कम होगा, या फिर पानी तथा एल्कोहल का विलेय, तो पानी क्या हो जाएगा यहाँ पे द्रव है जो विलायक और एल्कोहल उसमें थोड़ा सा मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा विलेय हो जाएगा। इस प्रकार से जो विलयन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे द्रव विलयन। जैसे पानी तथा नमक का विलयन, पानी तथा नमक का विलयन, या फिर पानी और एल्कोहल, पानी और एल्कोहल का विलयन, पानी और एल्कोहल का विलयन, तो यह क्या हो गया द्रव विलयन हो गया। अब तीसरा आता है दोस्तों गैसीय विलयन, जिसको हम कहते हैं गैस सॉल्यूशन। तीसरा क्या है गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन क्या होता है
गैसीय विलयन, गैस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन, गैस सॉल्यूशन। तो गैसीय विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो तथा विलेय पदार्थ, ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो तथा विलेय पदार्थ जो होगा वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बने विलयन को हम क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। तो जब किसी विलयन में विलायक गैस हो, जब किसी विलयन में विलायक गैस हो, जबकि विलेय पदार्थ, जबकि विलेय पदार्थ ठोस, द्रव व गैस, ठोस द्रव गैस में से कुछ भी हो, गैसीय विलयन कहलाता है, गैसीय विलयन कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण, या फिर वायु का मिश्रण आदि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? गैसीय विलयन, ऐसा विलयन जब किसी विलयन में विलायक गैस हो, गैस की अवस्था में हो, लेकिन जो विलेय पदार्थ है वह ठोस, द्रव या गैस तीनों में से किसी भी अवस्था में हो, और इस प्रकार से मिला करके जो विलयन बनता है उस विलयन को हम क्या कहते हैं? गैसीय विलयन, गैस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का विलयन, तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। यहाँ पे जब दोनों गैसों को आपस में मिलाया जाता है, उसका मिश्रण बन जाता है, तो अभी क्या हो गया आपका? एक प्रकार से विलयन हो गया। या फिर वायु का मिश्रण, हम लोग जानते हैं क्या होता है वायु, जो होता है वायुमंडल, तो वायुमंडल में वायु होता है, और जो वायु होता है वह क्या होता है? कई गैसों का मिश्रण होता है। जैसे आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं क्या, कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें क्या होती हैं? वायुमंडल में विद्यमान है, जो क्या है? सबका एक मिश्रण बना हुआ है, और वो क्या है? वायुमंडल में एक मिश्रण के रूप में, वायु के रूप में क्या है? विद्यमान है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जानते हैं आप लोग जैसे 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। तो नाइट्रोजन में अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो नाइट्रोजन विलायक हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और इस प्रकार से जो दोनों गैसों का मिश्रण बनेगा वह क्या हो जाएगा आपका? गैसीय विलेय। तो देखिए दोस्तों, क्या हो गया यहाँ पे? विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार, भौतिक अवस्थाएं क्या है? ठोस, द्रव, गैस। विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो गई यहाँ पे? ठोस, द्रव, गैस। और भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हो गए? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तेजी से एक बार फिर से देखिएगा, मात्र एक एक ट्रिक तीनों में है। एक मिनट में पूरा भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार आप लोगों के माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि फिर कभी भी मिस नहीं होगा, लाइफ टाइम ही आपके माइंड में हमेशा क्या रहेगा? सेटअप रहेगा। क्या है? ठोस विलयन। तो ठोस विलयन जो होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं हम? ठोस विलयन में विलायक ठोस रहेगा, बाकी विलेय तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस में से कुछ भी हो सकता है। और द्रव विलयन में क्या होगा कि विलायक जो होगा वह द्रव होगा, बाकी विलेय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और ठीक इसी प्रकार गैसीय विलयन जो होगा उसमें विलायक गैस होगा, बाकी विलेय पदार्थ जो होगा वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, और फिर हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे, जो हमारा विलयन का प्रकार होगा, इसके आधार पर विलायक की मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, जो हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे क्या है? विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। लेकिन जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें क्या होगा कि विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार।
ठीक। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। और आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा बनने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।